क्विकली बिगिन विद दिस एंड फिनिश ऑफ द थिंग। अच्छा तो अभी क्या क्या बाकी है हमारा, पहले एक देख लीजिए, एक आपका न्यूमेरिकल बाकी है, प्रॉब्लम नंबर 5। वॉइस इज नॉट कमिंग क्लियरली। बाकी लोगों को आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। ओके, सो स्टूडेंट्स अपना एक तो बाकी है प्रॉब्लम नंबर 5। तो प्रॉब्लम नंबर 5 अपना बाकी है, वर्क डन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो, तो वो चीज एक करना है अपने को। और फिर हमको ये सारी थ्योरी देखनी है। स्क्रीन इज ब्लर। अच्छा ओके, चलिए थोड़ा स्कोर आगे ले लेते हैं। अब देखिए, अब ठीक है, ग्रेट ग्रेट फाइन। सब फिजिक्स है दोस्त, सब फिजिक्स है। स्क्रीन क्लियर नहीं है मतलब थोड़ा कुछ फोकस से आगे पीछे पॉइंट हिल रहा है, वो आप एडजस्ट करो तो आ जाते हैं। चलिए एनीवेज, सो स्टूडेंट्स लेट अस बिगिन विद द बेसिक वर्ड्स दैट वी वांट टू डू टुडे। तो ये थोड़ा सा थियोरेटिकल है और बहुत इजी है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ऑलमोस्ट सारा कुछ आपको मालूम है, सिर्फ ये कुछ नया है जो आपने देखा नहीं है बट समझ में आएगा एकदम आराम से। तो द फर्स्ट वर्ड इज ब्रिटल। ब्रिटल वर्ड सुना है आपने, क्या होता है ब्रिटल का मीनिंग? व्हाट इज ब्रिटल? ओके वीक। कैसा है? अभी मैं इधर से ऐसा एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकता क्योंकि मार पड़ेगी फिर। अगर अपन स्टील का ग्लास ऐसे पकड़े और छूट जाए अपने हाथ से, नीचे गिरेगा, टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। बट वही चीज अगर अपने पास कांच का ग्लास है, मैं कांच का ग्लास है, ग्लास का ग्लास है, वाह, तो वो जो ग्लास है अपने हाथ में और वो जब अपने हाथ से छूट जाएगा तो बहुत चांसेस है कि नीचे गिरने के बाद वो टूट जाएगा। तो जब वो नीचे गिरा, जब वो इंपैक्ट हुआ जमीन पे, तो दोनों चीज था अपने पास, जो स्टील का ग्लास था और ये जो कांच का ग्लास है, जब ये दोनों नीचे गिरे, गिरने के बाद क्या हुआ? वेरी गुड, इजीली ब्रेकेबल, एक्सेलेंट। तो सबको मीनिंग मालूम है ब्रिटल का, तो गिरने के बाद वो जो इंपैक्ट था उसके वजह से उसके ऊपर स्ट्रेस आया और वो उस स्ट्रेस को झेल नहीं सका और इस वजह से टूट गया। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो इजीली या जल्दी से टूट जाएंगे उनको हम बोलते हैं ब्रिटल। सो these are the substances which will break easily when they are nearing that elastic limit ke aas paas aa jayenge to inka chances hai ki ye aaram se ya jaldi se toot jayenge to usko hum kya bolte hain usko hum bolte hain brittle low stress handling correct absolutely sanskriti correct the second word is ductile ductility bole ductility kya hai drawn into wires very good correct so आप लोग का आपका बेसिक बचपन वाला चीज आपको एकदम अच्छे से याद है। सो डक्टिलिटी मतलब वो सब्सटेंसेस जिसको आप खींच खींच के वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो होता है डक्टिलिटी। वेरी गुड अनवीर। द थर्ड आंसर इज मेलेबिलिटी। क्या होता है? ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। तो उसको मार मार के आप चपटा बना सकते हैं और उसका थिन शीट्स बना सकते हैं। वेरी गुड पुनीत, बहुत बढ़िया। सो ब्रिटिल, डक्टाइल, मेलिएबल, ये तीनों चीज अपने को समझ में आ गया है। अब इलास्टोमर, ये एक टाइप ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं। इलास्टोमर हम उसको बोलते हैं जिसको हम बहुत ज्यादा खींच सकते हैं। तो वो सब्सटेंसेस जिसको आप बहुत ज्यादा खींच सकते हो तो उसको हम डालते हैं इस कैटेगरी में जिसको हम बोलते हैं इलास्टोमर। यस, रबर। रबर इज वेरी गुड। तो जो आपका रबर है, मेजरिंग टेप। ओके, मेजरिंग टेप। अच्छा, वो टेलर के पास रहता है वैसा वाला। ओके ओके,
फाइन। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको स्ट्रेन का वैल्यू बहुत ज्यादा मिलता है। आप स्ट्रेस अप्लाई च्युइंगम, जॉर्डन अभी सीख गए, जॉर्डन अभी साइंटिस्ट वाली तैयारी में आ गए। मेजरिंग टेप इज नॉट इलास्टिक, बेटा वो जो ये रहता है ना, एक्चुअली दो कॉन्सेप्ट होता है उसमें, एक आपके पास वो बॉक्स के अंदर है राइट, आप खींचते चले जाते हो तो टेप लंबा होते जाता है, और आप छोड़ देते हो तो वो टेप वापस अपने जगह पे आ जाता है। तो आई थिंक दिस वॉज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड वॉट शी सेड। यस, रबर इज आइडियली द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन इलास्टोमर। आप आगे जो लोग भी इंजीनियरिंग करेंगे तो केमिस्ट्री में आपके पास में ये चैप्टर आएगा, आएगा बाकायदा इलास्टोमर्स करके आपको चैप्टर आएगा। ओके, तो अपने पास सिलिकॉन, जर्मेनियम, यस देर आर डिफरेंट मेटल्स, मेटलॉइड्स ऑल्सो विच आर अवेलेबल, बट देन दे आर टू कॉस्टली, तो वो अपने को फिर भारी पड़ता है उसका, अपन कुछ बड़ा कुछ बनाएंगे तो वो खर्चा ज्यादा होता है। तो ये अपने चार नाम, ओके अब देखिए और तीन नाम देखिए, बहुत सिमिलर नाम है। हाँ, साइकिल का टायर ट्यूब, करेक्ट 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 करेक्ट, हार्डनेस, स्ट्रेंथ और टफनेस। अब देख के ये सेम लगते हैं अपने को, जब अपन ये नाम देखते हैं, हार्डनेस, स्ट्रेंथ, टफनेस, यस, सो दीज साउंड टू बी वेरी सिमिलर राइट। अब जैसे इंग्लिश है तो अपन हार्ड टफ एक्सचेंज कर लेते हैं, बट यहां पर करेक्ट करेक्ट, इट इज अबाउट देयर डिफरेंट कैपेबिलिटीज। सो यहां पर टफ क्या चीज है, प्लीज रिमेंबर, टफ वो चीज है जिसका ब्रेकिंग पॉइंट बहुत बाद में आता है, तो वो बहुत देर के बाद टूटता है, उसका फ्रैक्चरिंग, फ्रैक्चर हैंडलिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो उसको हम बोलते हैं टफ। ठीक है, मैं उल्टा जा रहा हूं, यहां पर क्या होता है, सब्सटेंस के टूटने का एबिलिटी डिसाइड करता है कि वो कितना टफ है। सो दिस इज, Dependent on fracture or you can say the breaking point. अपना जो stress strain curve होता है, तो ये stress strain curve में जिसका ज्यादा breaking point या जहां जिसका fracture point दूर रहेगा, तो वो जितना ज्यादा fracture को बचा सकता है उतना ज्यादा tough रहेगा। ठीक है, then this word strength. Strength implies that you are checking कितना force ले सकता है बिना deform हुए। So this is resistance to deform. ओके, वी विल कम टू इलास्टोमर, वी विल कम टू दैट। पहले ये तीनों नाम एक बार नाम समझ लेते हैं, तीनों में फर्क समझ लेते हैं, क्योंकि ये बाकी इसमें कुछ नहीं आएगा। वैसे तो आपके सिलेबस में से इसको हटा दिया गया, आपके सिलेबस में से डिलीट कर दिया है ये जो थियोरी है, दिस हैज बीन डिलीटेड, बट देन सिंस दे आर यूजफुल वर्ड्स तो अपने को मालूम होना चाहिए कि ये क्या है। यहां पर हार्डनेस इज stiffness, so either hardness implies or it corresponds to stiffness. इसमें external factors जैसे cutting, abrasion, scratches, तो ये अबिलिटी है कि इस पे स्क्रैचेस ना आए या उस पे मार्क्स ना आए, इजिली कट ना हो,
तो ये इस चीज को रेजिस्ट करता है. तो बेसिकली ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट रेजिस्टेंसेस ऑफर्ड बाय द सब्सटेंस. टफनेस इज रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर और ब्रेकिंग. दिस इज द रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन. एंड हियर अगेन दिस इज रेजिस्टेंस टू द चेंज इन शेप, जिसको हम बोलते हैं. तो ये आपके तीन और इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो गए. नाउ वंस अगेन आई एम सेइंग ये आपके बोर्ड्स में से हटा दिया गया है. आई एम जस्ट डूइंग दिस सो दैट ऐसा आपको ना लगे कि अरे यार अपने को तो ये चीज मालूम ही नहीं है, ये कहीं से जब आप सुनो कहीं पढ़ो तो आपको ऐसा फीलिंग नहीं आना चाहिए अरे यार हमारे पास ये इंफॉर्मेशन क्यों नहीं. और ये सब वन वन लाइनर्स है. तो ये जानकारी रखना या जानकारी रहना अपने पास अच्छा ही है. ओके नाउ कमिंग बैक टू इलास्टोमर. तो इलास्टोमर का जरूरत बाकी भाई इलास्टोमर क्या है. सो इलास्टोमर वो सब्सटेंसेस है जिसका स्ट्रेन का जो वैल्यूज है दे हैव लार्ज वैल्यूज ऑफ स्ट्रेन. मतलब उसका लेंथ बढ़ता ही चला जाएगा बिना टूटे, ऑब्वियसली बिना टूटे. सो दैट कैटेगरी ऑफ सब्सटेंसेस दे कम अंडर द नेम ऑफ इलास्टोमर्स. तो इसलिए उसको इलास्टोमर, वैसे प्लास्टोमर भी होता है. प्लास्टोमर जो जल्दी टूट जाएगा वो प्लास्टोमर की कैटेगरी में चला जाएगा. बट यहां पर अपने पास है वर्ड इलास्टोमर. सो इलास्टिसिटी का इलास्टो आ गया. इलास्टोमर इज दे आर दोज टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच कैन हैव लार्ज वैल्यूज ऑफ स्ट्रेन. ओके नाउ लेट्स कम टू दिस कर्व हिस्टेरेसिस. अब इंग्लिश में एक वर्ड है हिस्टीरिया. हिस्टीरिया का कुछ कोई मीनिंग वगैरह दे सकता है. आई डोंट वॉन्ट एग्जैक्ट एकदम मीनिंग. हिस्टीरिया का मीनिंग बेसिक वन वर्ड, वन टू वर्ड्स, वन टू थ्री वर्ड्स ऐसा. हिस्टीरिया ओके, लाफ्टर, एक्साइटमेंट ओके, एक्साइटमेंट इज अ मोर क्लोजर वर्ड. मास हिस्टीरिया ओके. यस कम ऑन स्टूडेंट्स, हिस्टीरिया के लिए वर्ड्स जॉय ओके, crying, shouting, uncontrollable emotion, not able to control emotions, very good, emotional excess, okay, great, exaggerated, uncontrollable emotion, great, fine, frenzy, okay, so frenzy is also a great word, excitement, correct, तो आप सभी लोग psychological stress, great word, so हिस्टीरिया मतलब जैसे बोलते हैं ना एक तरह का पागलपन, ठीक है. नाउ दैट इज इन द इमोशनल टर्म्स. तो जब आप हिस्टीरिया में चले जाते हैं तो आपको नॉर्मल होने के लिए टाइम लगता है ना. जब जैसे आपका कोई मैच चल रहा है, स्टे वेरी गुड, अ स्टेट इन विच अ पर्सन कैन नॉट कंट्रोल देयर इमोशंस, करेक्ट ईश्वरी, एब्सोल्युटली. सो उसी तरीके से यहां पर होता है हिस्टेरिसिस. ये जो हिस्टेरिसिस वर्ड आया है ये उस हिस्टीरिया से आया है. अगर आप बहुत फटाफट अब ये बहुत सिंपली हम लोग इसको देख लेंगे कि ये कैसे बना. अपने पास एक वायर है, एक मीटर का वायर है. अब हमने आधा किलो डाला, फिर आधा किलो डाला, फिर से आधा किलो डाला, फिर से आधा किलो डाला, फिर से आधा किलो डाला. अब उस दिन जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ग्राफ, तो मैंने आपको क्या बोला था कि वी विल पुट अ लोड, देन वी विल वेट फॉर अ मिनट, वी विल लेट द वायर एक्सपैंड. उसको टाइम दिया जाएगा, एक मिनट, दो मिनट. बट व्हेन वी कम टू द हिस्टीरिया वाला पार्ट, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, मेरे पास वायर है आधा किलो, फिर से आधा किलो, फिर से आधा किलो, फिर से आधा किलो. तो वी आर गोइंग ऑन इंक्रीजिंग द स्ट्रेस at a very rapid rate. तो हम क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं at a very rapid rate. So what is observed is कि जो अपना ग्राफ mostly straight line होता था वो थोड़ा सा tilted हो जाता है. तो ये exact straight line नहीं है, more or less it's a straight line, but this is not an exact straight line. तो ये तो अपन ने उसको ऊपर चढ़ा दिया. तो आप स्ट्रेस पे लोडिंग पे लोडिंग, लोडिंग पे लोडिंग, लोडिंग करते जा रहे हैं. सो दिस इज अपना लोडिंग कंडीशन. अब आप ऊपर पहुंचे,
जो भी आपने 5 प्लेट चढ़ा दिया, 7 प्लेट, 8 प्लेट जो भी चढ़ा दिया आपने, फिर अचानक आपने क्या किया, आपने अनलोडिंग 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 शुरू कर दिया। तो पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि समझो आपका एक वायर था, 1 मीटर का वायर था, आप इसको लोडिंग करते चले गए और ये टूटा नहीं, समझो आप इसको 4 मीटर तक खींच ले गए लोडिंग 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 करते 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 करते, और फिर अचानक से आपने इधर से अनलोडिंग शुरू कर दिया। तो जैसे ही आपने लास्ट लोड निकाला, ये तुरंत यहां पर पहुंचने वाला नहीं है। तो क्या होता है, एज सून एज यू ब्रिंग द स्ट्रेस टू जीरो, द स्ट्रेन विल डायरेक्टली इंक्रीज द वेट बाय हाईएस्ट मास, देन द वायर विल ब्रेक। नो, नॉट नेसेसरी। सी व्हाई वी गो ऑन इंक्रीजिंग स्टेप बाय स्टेप इज कि अपने को वायर के बारे में जानकारी नहीं है, उसका मैक्सिमम कैपेसिटी मालूम नहीं है। अगर सपोज अगर वायर का मैक्सिमम कैपेसिटी है 4 किलो, अपन ने डाल दिया लोड 5 किलो का, तो विद इन अ फ्यू मिनट्स द वायर विल ब्रेक, करेक्ट। वो फट 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 आपका कर्व जाएगा उधर, ब्रेकिंग पॉइंट किधर ना किधर नेक फॉर्म होगा, वायर टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो कैपेसिटी था उसके ऊपर अपन ने लोड डाल दिया। और उसमें परेशानी क्या होता है, वो जो लोड है अपन वहां खड़े होके एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, गिरेगा तो अपने ऊपर ही गिर जाएगा। सो लोडिंग 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 व्हाई आर वी डूइंग, सो दैट बीच में अगर कहीं पर अपने को लगता है कि यार बहुत अचानक से वो वायर इलोंगेट होना शुरू हो गया है, तो वी कैन स्टार्ट अनलोडिंग ऑल्सो। यस, वेरी गुड संस्कृति, एब्सोल्यूटली। सो यहां पर ये जो है इस कर्व को बोलते हैं हिस्टेरेसिस कर्व। दिस कर्व इज नोन एज द हिस्टेरेसिस कर्व, और ये बेसिकली अपना एनर्जी है। ये जो लोडिंग और अनलोडिंग में जो अपना एनर्जी वर्क डन जनरेट होगा ना, लोडिंग होगा, वर्क डन होगा, वापस आपने कम कर दिया, जीरो हो जाएगा, तो ये उस एनर्जी का डिफरेंस है। That can be calculated by calculating this area. तो अगर आप ये एरिया कैलकुलेट करोगे तो आपको वो अनलोडिंग और लोडिंग के टाइम पे जो एनर्जी डिफरेंस है वो मिल जाता है। सो हिस्टेरेसिस में बेसिकली क्या होगा, अचानक से इंक्रीज और डिक्रीज करने की वजह से स्ट्रेस बढ़ गया, स्ट्रेस कम हो गया, बट स्ट्रेन को वापस अपने ओरिजिनल जगह पे जाने के लिए टाइम लगेगा, और ये जो टाइम है वो हम दर्शाते हैं बाय द इलास्टिक हिस्टेरेसिस कर्व। ये हम मैग्नेटिज्म में भी पढ़ेंगे, मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस भी होता है। तो ये हिस्टेरेसिस वर्ड आपको एक बार फिर से आएगा, वो मैग्नेटिज्म में आएगा। सो ये हो गया आपका इलास्टिक हिस्टेरेसिस। एल इज द लोडिंग कंडीशन एंड यूएल इज द अनलोडिंग कंडीशन, ठीक है। तो ये तो हो गए अपने सारे टर्म्स। अब आप आराम से एक बार बुक में रीडिंग कीजिएगा। हिस्टेरेसिस इज सिमिलर टू इनर्शिया। हाँ, अगर आप मोशन के इसमें बोलेंगे तो यस, कि आपने स्टार्ट किया मोशन और आपने स्टॉप किया, तो आप जो भी एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे, यस यू कैन इक्वेट इट to inertia in motion. Okay, students, so now this theory part is there in the text. Aram se reading kijiye, mostly wo sab highlighted part hai jo black mein rahega, wo underline karke rakhna. What is the area between, that we have to calculate, that will be calculated. वो एरिया जो रहेगा दैट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, इट इज नॉट अ फिक्स्ड एरिया, दैट विल चेंज फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल, दैट इज नॉट अ फिक्स्ड एरिया। ओके, चलिए लेट्स कम टू पेज नंबर। ओके, बुक देखना पड़ेगा। देखिए आपके जो न्यूमेरिकल्स है वो तो पेज 113 पे है, और ये अपने को Let me just open the book, please. Page 106, 7, 8, 9 वाला जो है, 6, 7, 8, yes.
107, 108 वाले पेजेस पे आपको मिल जाएगा थ्योरी. फॉर द न्यूमेरिकल दैट वी आर डूइंग वी हैव टू कम टू पेज 113, पेज 113 प्रॉब्लम नंबर 5. सो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन, बाकी सारे हम न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं. लेट अस कम टू पेज 113 प्रॉब्लम नंबर 5. कैलक्यूलेट द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ स्टील वायर जिसका लेंथ है 2 meters, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, सो लेंथ इज गिवन, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज गिवन, एरिया इज गिवन इन मिलीमीटर स्क्वायर. बाबू लोग मेरे को ईमानदारी से बताओ, मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे लिखेंगे, बोलिए. वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय अ फैक्टर ऑफ, वेरी गुड निशा, वेरी गुड नेहा, वेरी गुड तन्वी. अब ये आंसर कम से कम 20-25 लोग से जब तक नहीं आएगा मैं आगे नहीं जाऊंगा भाई. वेरी गुड तन्मय, करेक्ट. आर्यन पावर तो लिख राजा. ब्रह्मज्योत करेक्ट. गौरी करेक्ट. अगर मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं मतलब आपके आंसर में गड़बड़ है, वापस देखो. सूरज करेक्ट. अंजलि करेक्ट. अगर आप आंसर भेज रहे हो और नाम नहीं लिया जा रहा है मतलब भाई गड़बड़ है. फिर से देखिए, मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. मिलीमीटर स्क्वायर को, शाबाश कौस्तुम. एंड हियर वी डोंट गेस, वी हैव टू बी करेक्ट बेटा. वेरी गुड एंसेला. गार्गी करेक्ट. पुनीत करेक्ट. श्रद्धा, श्रावणी, अक्षन करेक्ट. विशाल करेक्ट. वेरी गुड पुनीत, करेक्ट आंसर. तन्वी करेक्ट. प्रणव करेक्ट. शिवम करेक्ट. ईश्वरी करेक्ट. अंशुल करेक्ट. शेख समन करेक्ट. प्रथमेश करेक्ट. अंकिता करेक्ट. आर्यन करेक्ट. तो जो लोग ने अपने काम में करेक्शन किया है, आई होप कि जब आप जल्दबाजी में करते हो, गलत लिख देते हो, आपको समझ में आया होगा. दिस इज व्हाट प्रीसाइसली हैपेंस इन द एग्जामिनेशन. सफा करेक्ट. जानवी करेक्ट. सफा बोल रही है तू ही हमको खाली मेहनत कराएगा क्या, रुक जा हम भी तेरे को मेहनत कराएंगे, है ना. इतने जीरो लगाओ कि गिनता बैठे. ओके चलिए, अभी जो लोग को नहीं आया है कोई बात नहीं, पर अब प्लीज ध्यान दीजिए, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठाइए. देखिए जिनको राइट आ गया है ग्रेट, जिसको नहीं राइट आया है प्लीज 1 मिनट ध्यान से देखना जो हम बोर्ड पे कर रहे हैं. एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. सी लेटर ऑन व्हाट यू फील इज कि सर मैंने तो सब फॉर्मूला याद कर लिया था, मैंने ऐसा, मैंने वैसा, मैंने सब किया, टीचर ही ऐसा है, टीचर वैसा है, फिजिक्स ऐसा है, फिजिक्स वैसा है. भाई कोई कैसा भी नहीं है, अपना मैथ्स कच्चा है और कुछ नहीं है. चलो देखो इधर क्या हो रहा है. तो अपने पास में, अपने को मालूम है 1 meter में 1000 millimeter, 1 meter इज इक्वल टू 1000 millimeters. तो अभी नेक्स्ट स्टेप देखिए, 1 upon 1000 meter इज इक्वल टू 1 millimeter. ये नीचे आ गया. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो जब हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो दे 10^3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 10^6 मीटर स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू मिलीमीटर स्क्वायर. मतलब मिलीमीटर स्क्वायर को जब आप मीटर स्क्वायर में लिखना चाहते हो
तो आपको लिखना पड़ेगा 10^-6 m². बाबू कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत चिंदी आइटम है ये, सीख लो। मीटर टू मिलीमीटर, मिलीमीटर टू मीटर, और ऐसा ही सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर होता, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में लिखना होता, तो चलिए आप बताइए कि क्या आंसर आना चाहिए था। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में लिखना है तो क्या आंसर लिखेंगे बोलिए। शाबाश मिया, वेरी गुड रमजोर। जॉर्डन, आर्यन, अंजलि, पुनीत, संस्कृति, शिवम, प्रथमेश, अंशिला, गौरी, निशा, बाय चांस को मिस हो गया तो सॉरी, अनवित, गार्गी, तन्मय, श्रावणी, ये तो फिर से वही वही लोग आंसर दे रहे हैं जिन्होंने पहले दिया था। अरे भाई बाकी के लोग क्या करेंगे। वेरी गुड तन्वी, यस कौस्तुभ करेक्ट, ईश्वरी करेक्ट, श्रद्धा करेक्ट, विशाल करेक्ट। अरे बाकी के लोग, हाँ अनवित गुड। तो भाई मोनोपोली नहीं चाहिए अपने को। रॉडनी तू स्टार्ट टू एंड एक ही आंसर दे रहा, मिलीमीटर में भी वही देता, सेंटीमीटर में भी वही देता, भाई चेंज ही नहीं करूंगा। अभी करेक्ट है पर मिलीमीटर में रॉन्ग था वो। रिया करेक्ट, साइली करेक्ट, आर्यन करेक्ट, आर्यन कुछ मिसिंग है चेक करो। वेरी गुड सफा, सफा ने बोला चल अभी माफ, जीरो कैंसिल कर दिया, 10^-2 में लिख के दे दिया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अश्वी रॉन्ग है, स्क्वायर करना बाकी है, स्क्वायर तो करो, सेंटीमीटर टू मीटर नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर। वेरी गुड आर्यन, शेख समान करेक्ट, प्रणव भाऊ डिवाइड होना, डिवाइड सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर, स्क्रीन इज ब्लर। अरे क्या करेगा स्क्रीन का, ये देख अभी मैं ही स्क्रीन हूं। इसमें क्या ब्लर, ये अपने दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए ये कुछ, ये इसमें का ब्लर क्या देख के करेंगे। वेरी गुड प्रणव, आई होप आपको समझा, आपने शायद मीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर बोला होगा। चलो भाई फटाफट सॉल्व करते हैं, इसको खत्म करते हैं किससे को। व्हेन अ लोड ऑफ 100 न्यूटन इज स्लोली अप्लाइड टू द फ्री एंड यंग्स मॉड्यूलस दिया है, वर्क डन चाहिए। आपका टेक्स्ट बुक, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, पेज 113, प्रॉब्लम नंबर 5 कर रहे हैं हम लोग ये। चलिए गिवन लिख लेते हैं, वायर ऑफ लेंथ, सो लेंथ इज गिवन एज 2 m, क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.0225 mm². तो देखिए इसको पहले अपन लिखेंगे 0.0225 × 10^-6 m², फिर ये 4 0 भी एडजस्ट कर दो तो ये हो जाएगा 225 n^-10 m². अब जिसको ये सब नहीं समझता है वो चेंज मत करना भाई, अपने को राइट आंसर लाना है। अगर आपको लगता है ऐसा करने से गड़बड़ हो रहा है तो आप कुछ मत करना, इसमें वैसा ही रहने देना। लोड इज, सो F इज 100 N, यंग्स मॉड्यूलस 2 × 10^11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो आपको बोल रहा है फाइंड द वर्क डन, कैन नॉट सी क्लियरली। अच्छा देखो भाई अब देखना शुरू हो गया कुछ। अनवित जी ओके, तो अभी सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में अपन लिखेंगे फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू half into f into small l, students small l उसमें दिया ही नहीं है,
कहीं पर भी मेरे पास स्मॉल एल नहीं है, मतलब स्मॉल एल को अपने को रिप्लेस करना पड़ेगा बाय वॉट एवर इज गिवन टू अस, और वो क्या रहेगा देखिए, तो इट इज गोइंग टू बी हाफ इंटू एफ इंटू, नाउ दिस स्मॉल एल वी विल राइट एज, अब क्या फॉर्मूला है, रेफरेंस फॉर्मूला देखिए, वाई इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए एल, ये छोटा एल ऊपर गया वाई नीचे आ गया, तो आपको मिलेगा एफ एल ए वाई, अब चेक करो सब कुछ दिया है क्या, एफ मालूम है, एल मालूम है, ए मालूम है, वाई मालूम है, सो अब आप देखो सारे के सारे टर्म्स जो फॉर्मूला में है वो अपने को दिए हुए हैं, और अब आप बहुत इजीली कैलकुलेशन कर सकेंगे, तो जरा क्विकली कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, सो 2.22 आ रहा है आपको आंसर, ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ इलास्टिसिटी, टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद फ्रिक्शन।